इसके बारे में हम तो यही कहेंगे कि जो मंत्री जिस काम के लिए बुलाया के मैंने तो चुनाव हुआ है, झारखंड के विकास के लिए मंत्री को चुना गया है, लेकिन ये क्या विकास कर रहे हैं सो इसको देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बोलते हैं कि बढ़ रहा है घट रहा है, वो तो नेचुरल चीज है, वो बढ़े घटबे करेगा, जो बढ़ाना है सकरा बढ़ाइए ना महाराज से। हम बोले नियोजन नीति में बढ़ाइए, 60-40 को खत्म करिए, वो बढ़ाइए तो दूसरे चीज बढ़ा ले, वो तो बढ़ेगा, वो नेचुरल चीज है, वो आप करिए या ना करिए, वो पूरा प्रकृति का चीज है। इसलिए जो बढ़ाना है, जिसके लिए आपको हम चुने हैं, उस चीज को बढ़ाइए। और जो छात्र लाठी खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, 5 महीना से हम लोग बोले रहे हैं कि नियोजन नीति हम लोगों को रोजगार दो, 60-40 को हटाओ, तो हम लोगों को लाठियां बरसाई जा रही है, हम लोगों को ये बता रहे हैं। वो जो कुछ बड़ा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपना कद छोटा कर दिया, ये चीज जान लीजिए। बहुत कहते थे कि आप निचले स्तर से आए हुए हैं, लोगों की बात को समझते हैं। अरे बाप रे, ठीक है बोले, वो एकदम सही बोले, हम निचले स्तर के नेता हैं, इसीलिए हम नीच काम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि निचले स्तर से हैं, इसलिए नीचा काम कर रहे हैं, ऊंचे स्तर का दीजिएगा तो ऊंचा काम करिए, पड़ोस बढ़िया खराब काम करेंगे। तो इस प्रकार का जो है ये हम नहीं कहेंगे, बाकी चीज तो आप लोग जानिए रहे हैं। अब तो फिर लिपापोती होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर यदि यही एक साधारण आदमी किया होता तो प्रशासन के तमाम लोग जो है और मुख्यमंत्री समाज तुरंत उसका संबंध जारी करते कि महिला पर यह हो रहा है, ये हो रहा है, और उसको आप भीतर कर देते, अभी तक वो किसी जेल में होता। लेकिन इसमें सिर्फ लिपापोती, एक लड़की दूसरी आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, और सब लोग करके बोल रहे हैं इससे मेरा संबंध नहीं है, उससे मेरा संबंध नहीं है। अरे भैया ककर संबंध है से हो तो बता दो। ये चीज जो है हम किसी का इसमें क्या कहते हैं, महिला का इज्जत करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि बाकी चीज। सबसे बड़ी बात है आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैसा स्वास्थ्य ठीक करिएगा आप? सभी एएनएम जेएनएम सभी हमारे जितने डॉक्टर हैं वो सब सारे लोग जो है जो महिला लोग जो है और सारे डॉक्टर लोग है, कैसे हैंडल कीजिएगा? कौन मुंह से उन लोगों के सामने में आप जाइएगा, आप बात करिएगा, और कौन इज्जत करेगा जी? आप वो 6-7 साल पढ़ाई करके आते हैं, दिन भर जो है सो करके दिन रात एक कर करके डॉक्टर बनते हैं, और आप स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, आप क्या स्वास्थ्य सुधार कर रहे हैं, क्या बड़ा कर रहे हैं, क्या छोटा कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिएगा। देखिए महिलाओं के सम्मान के साथ भी ये ठेस है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का ऐसा वीडियो आना और फिर उसके बचाव में पार्टी और तमाम लोगों का उतरना। आपको मैं बता रहा हूं, इसमें सबसे बड़ी बात में ऐसे अगर यदि मक्खी को नहीं फेंकिएगा दूध से, पूरा दूध खराब कर देगा, मैं बता रहा हूं। अगर पार्टी बचाव में आती है या ये करती है कि बाबू ये लोग बचाव में क्या कैसे आ रही है, अभी से समझिए, खुद पता चल जाता ये दोषी है कि नहीं। ये बोलते हैं विपक्ष पर उसका विधायक ने नहीं किया था क्या, इसका मतलब आपने किया था? इनको नहीं किया था तो ये बोलना चाहिए मैं नहीं किया हूं, लेकिन ये बचाव में कह रहे हैं कि दूसरा विपक्ष का विधायक नहीं किया था क्या, उसका वीडियो नहीं वायरल हुआ था क्या? ये चीज जो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो है ये साबित कर रहे हैं कि ये सत्य है वीडियो। तो लोगों को, पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद होना चाहिए। और देखिए इसमें कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं जनता का जो है सो जातिवाद धर्मवाद इस प्रकार से करके चुनिएगा तो इसने लोग वहां जा करके कुर्सी पर बैठेगा। आज जो है सो उस महिला के साथ में, कल और बहु बेटियों के साथ में, जब ऊंचे पद पर ही आपको कहा जाता है वो ऊपर से यदि सबसे ऊपर वाला प्रशासक अगर यदि मजबूत हो तो नीचे में ऐसे ही वह क्या कहते हैं करप्शन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ऊपर से ही करप्ट व्यक्ति बैठेगा तो नीचे सिपाही क्या करेगा? तो अगर मंत्री ऐसा होगा तो वहां का बाकी जो और छोटे मोटे नेता होंगे वो कैसा करेंगे? इसलिए इसको विचार करना चाहिए पार्टी लेवल पर, ये छवि खराब हो रही है, ये सब सारा चीज जो है आप लोग समझिए रहे हैं। बाकी हम क्या कहेंगे, ये लोग बड़का बड़का नेता हो गए और बड़का बड़का काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और छोटा छोटा हम लोगों को रहने देते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, चलता रहे। ये भी बोल रहे हैं कि छात्रों को लाठी खाने दीजिए, हम भी लाठी खाकर मंत्री बने हैं, आप भी मंत्री बनिएगा। देखिए वो लाठी खा करके बने हैं तो वो क्या कर रहे हैं सो तो आप देख रहे हैं, और हम लोग अगर यदि लाठी खा करके क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है। हम किसी के भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं और वो किसी महिला के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं,
ये आप बात समझ लीजिए, महिला के पूरी तरह से भविष्य खिलवाड़ है। और हम जो है सो छात्रों के और जितने भी छात्र छात्राएं तमाम, ऐसी बात नहीं कि हम लोग के पास में सब सारे नहीं रहते हैं, हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको रोजगार कैसे मिले, राज्य का विकास कैसे हो, इसके लिए हम लोग नेतागिरी करते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।